महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष मांडवी चौहान का निधन हो गया है। कोरोना के चलते निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। नेताओं ने शोक जताकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर दुख जताया। तो बड़ी खबर मिल रही है राजधानी भोपाल से। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष मांडवी चौहान का निधन। कोरोना के चलते निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जिसके बाद आज उनका निधन हो गया। तमाम नेताओं ने शोक जताकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर दुख जताया। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष मांडवी चौहान का निधन हो गया। कोरोना के चलते निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। नेताओं ने शोक जताकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए पीसी शर्मा पूर्व मंत्री फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। पीसी शर्मा जी, एक बेहद दुखदायी खबर आई है, मांडवी चौहान जी नहीं रही। और अभी प्रेस में पता लगा महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी और अपना कर्तव्य निभाते हुए, जब 8 मार्च को जब महिला दिवस था, महिला दिवस के दिन वो वहाँ उन्होंने प्रदर्शन किया था और उसके बाद से जो संक्रमण हुई और जगह चुनाव में गई और संक्रमण अंदर ही अंदर फैलता रहा। कोरोना की महामारी ने एक और कांग्रेस की जाबाज महिला नीति की जान ले ली है। बहुत संघर्ष किया उन्होंने, बहुत स्कूल के परिवार में सबने कमला जी की वजह में भी मदद की उनकी और अस्पताल में काफी सही चीजें भी होती रही थे जिस अस्पताल में आ गई। बहुत संघर्ष किया, संघर्षशील नेता थी। मैं समझता हूँ कि उनकी कमी कभी भी खड़ी नहीं जा सकेगी कांग्रेस पार्टी में। सामाजिक कहानी थी और एक धार्मिक कहानी थी और सबको साथ लेके चलना, सबको सॉल्यूशन ढूंढना, जिसका बहुत महान नेता थी। मैं अपनी ओर से उनके चरणों में श्रद्धा अर्पित करता हूँ और ईश्वर उनको अपने शीर्षण स्थान दे, उनके परिवार को, हम सबको ये बहन दुख शक्ति प्रदान करे। बहुत बड़ी क्षति उनको बहुत बढ़ाई। बिल्कुल सर, दुख की घड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।